from down south, we are shifting focus to the state of West Bengal and talking about Prime Minister Modi's two-day visit to the state of West Bengal, a day after Sandesh Khali's strongman Sheikh Shah Jahan was arrested. After being on the run for 55 days, Prime Minister Narendra Modi attacked the Trinamool Congress's government over Sandesh Khali and in fact said that the women of Bengal were unsafe under the ruling Trinamool Congress's government. He said that Trinamool Congress did everything in its power to protect Sheikh Shah Jahan, but the BJP's relentless protest forced Bengal police to finally arrest and in fact nab him. Prime Minister Narendra Modi also attacked the INDIA bloc's silence over Sandesh Khali and said that it has not even once questioned Mamata Banerjee's government in the state of West Bengal. Meanwhile, responding to the allegations by the Prime Minister, Trinamool Congress's MP Shantanu Sen said that the entire Sandesh Khali story is orchestrated by BJP and said that it has been exaggerated by the party as well for the political benefit. TMC ne Bengal mein apraad aur bhrashtachar ka ek naya model paida kar diya hai. अपराधियों को संरक्षण के बदले टीएमसी नेताओं को भर भर के पैसे मिलते हैं. बीजेपी के दबाव में आखिरकार कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने झुक करके उस आरोपी को गिरफ्तार करना पड़ा है. इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता संदेश खाली पर आंख कान मुंह सब ये बंद करके बैठे हैं. टीएमसी ने बंगाल में अपराध और भ्रष्टाचार का एक नया मॉडल पैदा कर दिया है. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं अरे छोड़ो बंगाल में तो ये सब कुछ चलता रहता है. क्या ये बंगाल का अपमान है कि नहीं है? देखिए हम लोग बहुत दिन से बोल रहे हैं संदेश खाली में जो घटना घट रहे थे उसका मेजर पोर्शन एक ऑर्केस्ट्रेटेड स्टोरी है जिनका डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दिल्ली बीजेपी वाला था. और मेन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अगर सामने आ गया तो उसको तो मूवी के बारे में कुछ बोलना ही पड़ेगा. पूरा देश ये देखा है किस तरीके से बाहर से आदमी ले जाके गुंडा ले जाके. नरेंद्र मोदी जी को मेरा ये सवाल है आपका गुजरात में जो मंत्री है अर्जुन सेन उसका खिलाफ आपका दल का एक्स पंचायत एक महिला बारंबार धर्षण करने का अभियोग किया था आपका हिम्मत हुआ था उसको मंत्रिसभा से निकालने का? ब्रिजभूषण जो आपका पार्टी का MP है वो तो महिला कुश्तीगीरों को सेक्सुअल असोल्ट किया था आपका हिम्मत हुआ उसको पार्टी से निकालने का? स्टार ऑफ द कंट्री इज द प्राइम मिनिस्टर बट व्हेन ही इज कमिंग और ही विल कम और ही हैज कम फॉर द पार्टी प्रोग्राम देन ही इज द पार्टी लीडर. सो we have to see whether his program is concerned with the prime ministerial program or his program is organizational for BJP program. Let us see, then we can comment. लेकिन चुनाव नजदीक है, चुनाव का बात तो होता ही है. हम लोग भी बताया इस बार 400 पार, मोदी जी भी बताया यही बार 400 पार. लेकिन बंगाल को विकास देने के लिए और मोदी जी का करीब करीब 10 साल में उन्होंने कितना बंगाल के लिए दिया है ये जनता को रिपोर्ट कार्ड देने के लिए मोदी जी यहाँ से शुरू किया. मोदी जी जिस तरीके से आवास योजना से लेकर हर क्षेत्र में बंगाल के विकास के लिए उन्होंने रुपया दिया है. बंगाल का चुनावी शंखनाद पूरा जमीन पे आज से उतर चुका है और आदरणीय मोदी जी जो हमारे सबसे बड़े नेता है देश के नहीं विश्व के एक नंबर नेता है उनके उपस्थिति में जनता इतनी मतलब इतने एनर्जी से फुल हो जाता है इतनी ऊर्जा से फुल हो जाता है कि आगे आने वाले समय में हम आरामबाग नहीं इसके आजू बाजू में जितने भी लोकसभा है सारे लोकसभा हम जीतेंगे. देश के प्रधानमंत्री अगर किसी राज्य की डेली पैसेंजरी करती है वो तो अच्छे हैं
क्या रोहिंग्या डेली पैसेंजरी करना चाहिए या शेख शाहजहां जैसे लोग बांग्लादेश से इधर आना चाहिए डेली पैसेंजरी करके? देश का प्रधानमंत्री है, देश का गृहमंत्री जी, या राष्ट्रीय कोई नेता जो किसी पार्टी का जो राष्ट्रहित देखता है, तो वो अगर डेली पैसेंजरी करता है तो उस राज्य के लिए अच्छा है। देखिए प्रधानमंत्री जी अभी चुनावी सफर शुरू कर दिए हैं, ये इलेक्टोरल टूरिज्म आप कह सकते हैं। ये चुनावी यात्रा में चुनावी पर्यटक देश की कोने कोने घूमेंगे, ये स्वाभाविक है। बंगाल के भी दौरा करेंगे, ये भी स्वाभाविक है। और दौरा करने के पहले बंगाल के आम लोगों को गुमराह करने के लिए, निगाहों भटकने के लिए, बरगलाने के लिए तरह तरह की झूठ की पुलिंदा आम लोगों के सामने पेश करेंगे, और ये देखते देखते चुनाव भी आ जाएंगे।